क्वेश्चन नंबर 5 एन अर्न कंटेन 25 बॉल। अब ध्यान से सुनो, एक अर्न कंटेन 25 बॉल ऑफ विच 10 बॉल्स बियर एक्स मार्क एंड रिमेनिंग 15 बियर वाई मार्क। टोटल बॉल है 25, 10 एक्स मार्क, 15 वाई मार्क। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्थ, एक बॉल रैंडमली निकाली जाती है। इट्स मार्क इज नोटेड डाउन, इसका मार्क देखते हैं कि एक्स लिखा है या वाई, एंड इज रिप्लेस और उसको वापस रख दिया। वापस रख दिया इसलिए होता है, जब बाइनोमियल क्वेश्चन होता है तो वापस ही रखता है, कि वापस नहीं रखेगा तो हर बार की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। तो पी और हम जब करते हैं तो चार बार आएगा तो पी की पावर 4 आती है, और जब रिप्लेसमेंट नहीं होगी तो पी की पावर 4 आई नहीं पाएगा ना, डिफरेंट हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हर बार, और यहाँ पे हर बार प्रोबेबिलिटी सक्सेस सेम रहती है। तो ये कह रहा है इफ 6 बॉल, इस तरीके से 6 बॉल निकाल के वापस रखी जाए, यानी 6 बॉल निकाली जाए, तो फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बियर एक्स मार्क। कमल बताएगा एन कितना है, आर कितना है, हद हो गई। तुम गजेंद्र बताओ, एन 6 है और आर एक्स मार्क से, यानी 0 ऑल विल बियर एक्स मार्क, एन भी 6 है आर भी 6 है और पी है एक्स मार्क की बात कह रहा है ना, एक्स वाले का आना, एक्स मार्क वाली बॉल का आना, तो पी और 10/25 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किससे जुड़ा है, गेटिंग बॉल विद एक्स मार्क वाली बॉल का आना सक्सेस है, इसलिए हो जाएगा 10/25 और 2/5। दिस इंप्लाइज क्यू आपका आ जाएगा 3/5। तो पहला पार्ट एन कितना है, कितनी बॉल निकाली जा रही है, 6। तो पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालो, ऑल विल बियर एक्स मार्क, सब पे एक्स मार्क होगा, तो रैंडम वेरिएबल कितना लेंगे, 6 2/5 की पावर 6 और 3/5 की पावर 0, 6 1 होता है, ये 1 होता है, तो यही बचा 2/5 की पावर 6। सेकंड क्या, नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क। अब देखो यहाँ पे ना वाई की बात हो रही है, तो पी और क्यू चेंज हो जाएगा, सेकेंड पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा गेटिंग बॉल विद वाई मार्क, तो 3/5 होगा पी और क्यू हो जाएगा रिवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बात वाई मार्क ही कर रहा है वो, और फिर अब आर डिसाइड होगा उससे जो लैंग्वेज लिखी है, नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं, 2, 1 और 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू, रैंडम वेरिएबल तो एक्स ही होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 कर लोगे ना, पी की जगह ये लेना है, क्यू की जगह ये लेना है, एन 6 है, आर 0, 1, 2 लेना है। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, एटलीस्ट 1 में से 0 वाला माइनस, एटलीस्ट 1 कम से कम 1 2 3 4 5 6 सारा लगाने से अच्छा है 1 में से 0, वाई को 0 रैंडम वेरिएबल 0 मान के माइनस कर दो। फोर्थ पार्ट, द नंबर ऑफ बॉल्स विद एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल, 6 निकाली जा रही है तो एक्स वाली भी 3 हो और वाई वाली भी 3 हो तभी तो इक्वल होंगी। अब जब इक्वल बोल दिया तो आप पी और क्यू किसी को भी मान सकते हो, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्यों,
एक्स और वाई दोनों को कह रहा है, तो सक्सेस आप किसी को भी मान लो, अगर आप एक्स को सक्सेस मानते तो भी उसकी पावर थ्री आनी है, और अगर वाई को सक्सेस मानते तो भी एक्स की पावर थ्री आनी है, क्योंकि सिक्स है। अगर पांच बॉल निकाली होती तो दिक्कत आ जाती, तब वो फिर इक्वल नहीं कह सकता था, तो वो इक्वल कह नहीं सकता था ना। इक्वल वो तभी हो सकता है जब इवन हो, और इवन में पावर की टेंशन नहीं आएगी जब इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम है, तब आप एक्स को भी सक्सेस मान सकते हो वाई को, पर यहाँ पे नहीं मान सकते। ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें किसी को भी नहीं मान सकते, इसमें साफ साफ लिखा है ना, उसी को लेकर करना पड़ेगा। कर लोगे?